मुरादाबाद के थाना मंझोला अंतर्गत दुर्गेश नगर में एक भाजपा नेता की दूसरे पक्षों के लोगों ने जमकर पिटाई की। मामला बताया जा रहा है कि पहले चुनाव रंजिश को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था और आखिरकार मौके की तलाश की जा रही थी। आखिरकार भाजपा नेता की लोगों ने जमकर पिटाई की और ये पिटाई की जो घटना है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस इस मामले के संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। थाना मझोला के दुर्गा कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लाठी डंडों से लैस होकर बीजेपी नेता के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ हमला कर बीजेपी नेता व उसके परिजनों को घायल कर दिया। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। मझोला के दुर्गा नगर कॉलोनी में छोटे लाल सैनी रहता है। छोटे लाल सैनी बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर है। क्षेत्र के ही रहने वाले से चुनावी रंजिश चली आ रही है। महापौर चुनाव के दौरान भी बीजेपी नेता पर इसी परिवार द्वारा पहले भी हमला किया जा चुका है। दो दिन पहले एक बार फिर ये लोग आमने सामने आ गए जब छोटे लाल ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के विरुद्ध थाना मझोला में रिपोर्ट दर्ज कराई तो आरोपियों ने मुकदमा वापस लेने को लेकर एक बार फिर बीजेपी नेता और उसके परिवार को निशाना बनाते हुए जमकर मारपीट की। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। हमलावरों ने बीजेपी नेता के घर के बाहर खड़ी सेंट्रो कार को भी नहीं बख्शा। लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। चुनावी रंजिश रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था महापौर जी का, माननीय महापौर जी का। उस समय इन्होंने पर्ची बाज के सामने मेरे पे हमला करा। जब भी मुकदमा पंजीकरण है, मारपीट के मार मार के लहू लुहान कर दिया था। अब फिर मैंने जैसे कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आदमी मजदूर और गरीब बेसहारा को अपने पास से आटे के कट्टे और उन्हें भोजन प्राप्त कराया। इसे उसकी जलन में आके इनने फिर मेरे पे मार धावा बोल दिया। कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था और ये कहा था कि अगर तुमने अगर मुकदमा कराया तो तुम्हारे पूरे घर की जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा। मैं उस बात को हल्के में लेते हुए मैंने फिर अपनी डॉक्टरी कराई और उसका मुकदमा कराया। उसके बाद उसको मुकदमे की वापसी का फिर आज मैं इस पर दबाव बनाया कि वापसी कर लो नहीं तो गोली मार देंगे। मैंने उसका विरोध किया, जो तुझसे हो कर ले। तो उसने मेरे घर पर फिर लाठी डंडों से प्रहार कराया। मेरे भतीजे को मारा, मुझे देखने आए हुए थे, और मेरे लड़के को भी मारा। मेरी नज़दीक में ही मेरी भांजी का घर है, उस घर में जाकर मार तोड़ करी और वहाँ लाठी डंडों से पिटाई करी। मेरे दोस्त की मेरे घर पर ही गाड़ी खड़ी थी, उनसे बोले सेंट्रो, इसकी तोड़, इसकी लाठी डंडों से कांच सब गाड़ी क्या बोलूँ क्षतिग्रस्त कर दिए। मेरे मकान पर जो लगे CCTV कैमरे वो भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। कितने लोग को चोट आई है? ये कल भी दो जनों के आई थी और आज दो जनों के आई है।